नागदा के युवा वर्ग इन दिनों लॉकडाउन की स्थिति में रोजाना 5,000 पैकेट के भोजन को वितरण कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। युवा रेस्टोरेंट के संचालक सचिन दुबे और उनकी टीम द्वारा रोजाना 5,000 भोजन के पैकेटों का वितरण करके एक मिसाल पेश की जा रही है। पूरे शहर में इन दिनों सचिन दुबे और उनकी पूरी टीम की चर्चाएं हैं। हम आपको बता दें, यूं तो सिगड़ी 95 एक रेस्टोरेंट है, लेकिन लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में पूरे शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की पेट की आग बुझाने का काम भी बराबर कर रही है। यह सिगड़ी 95 रेस्टोरेंट एक हमने पहले तो बिजनेस के लिए एक प्रारूप तैयार करा था, पर इसका जो नाम है सिगड़ी 95, इस पे एक भगवान का भी आशीर्वाद है। जो पीछे नाम 95 है उसमें उनका मतलब है नाकोड़ा पार्श्वनाथ, और आज मालिक के आशीर्वाद से यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा लंगर के रूप में जो नगर अपना कोरोना वायरस से जूझ रहा है उसमें हमने एक छोटी सी पहल करी थी कि यार एक दिन के लिए पहले लॉकडाउन हुआ था प्रशासन के थ्रू, तो एक दिन की हमने पहल करी थी कि 30-40 हज़ार का किराना डाला के अपन एक दिन भोजन कराते हैं, तो उसमें प्रशासन ने भी हमको अनुमति दी थी। पर उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ा तो इस पहल की शुरुआत नगर के सहयोग से भैया अजय जी गुजर, लक्की भैया, संदीप भैया, दिनेश भैया और संगम जैन, ऐसी टीम में हमारे बहुत सारे नाम है जैसे श्रीराम सिन्हा, बहुत सारे नागदा के सहयोगी रूप में श्रमदान से लेके धनदान तक और अन्नदान तक सब दानदाता आ गया है। आज इसी दान के रूप में हमें किन्नर समाज के लक्ष्मी दीदी और उनके गुरु माता ने हमको मतलब सहयोग करा है इस कार्य में।